Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पहुँचे हुए हैं गांव नहराना में। वहाँ यूथ वीरांगनाओं की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है, जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को आज इसका आयोजन किया गया है, ताकि गांव वालों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराया जा सके, उन्हें जागरूक कराया जा सके। गाँव के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं ग्राम पंचायत नहराना की तरफ से मैं सभी माताओं और बहनों का यूथ वीरांगना से धन्यवाद करता हूं। और ये रैली आप जो नशा मुक्ति के बारे में ये निकाल रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी है, क्यों आगे आने वाले समय के अंदर ये जो युवा पीढ़ी है वो बहुत नशे के अंदर जा रही है। इसलिए तो मैं युवा यूनिट वीरांगना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, समाज में और भी अच्छे नेक कार्य यूथ वीरांगनाएं करती रही हैं, जैसे कि सिलाई सेंटर खोलना, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं उनके ट्यूशंस के लिए, गर्भवती महिलाओं के खाने के लिए, मतलब हर क्षेत्र में अपना योगदान यूथ वीरांगनाएं दे रही हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? यूथ वीरांगना ये जो गरीब बच्चों और ये जो डिलीवरी है जो सहायता दे रही है वो भी बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, आगे अगर आपके गांव में इस तरह का कार्यक्रम यूथ वीरांगनाएं करना चाहें तो आपका कितना सहयोग रहेगा? सर, मेरा अब से सहयोग है और इससे ज्यादा भी आगे सहयोग रहेगा। अंत में सर, आप अपनी राय हमें बताइए कि जो देश में आज नशा जो फैल रहा है उस पर आपके क्या विचार है, आपकी पर्सनल क्या राय है? भी पर्सनल राय ये है कि नशा ये हमारे लिए भी अपने युवाओं को बहुत ही बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, इसे नशा मुक्त करना जरूरी बहुत ही है, बस यही राय है। धन्यवाद सर।